हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट अनुजा और आपने ट्यून किया है जा अनु प्रियस। अभी फेस्टिव का टाइम चल रहा है तो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ साड़ी और तो इसलिए देखिए मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। लग रही हूँ ना सावन स्पेशल साड़ी में तैयार। ठीक है, सावन लुक का, सावन का जो ग्रीन कलर होता है, देखिए मैंने आज पूरे ही वो अटायर किए हैं सावन के ही, फेस्टिव के हिसाब से तैयार हुई हूँ। ठीक है, तो ये देखिए है, तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए साड़ी हॉल। ठीक है, साड़ी हॉल में मैं साड़ियाँ ऐसी मंगवाती हूँ, ठीक है, जिसको कि मैं कुछ दिन पहन सकूँ, क्योंकि हम लोग देखिए प्रॉपरली पूरे साड़ी तो पहनते नहीं हैं। जब पहनते हैं, अच्छी साड़ी पहनते हैं, शादी ब्याह के लिए लेते हैं, तो वो तो काफ़ी कॉस्टली लेते हैं, तो हल्की फुल्की भी पहनने के लिए हमें कभी कभी चाहिए होता है, थोड़ा पूजा के लिए कहीं अगल बगल जाने के लिए, तो वही साड़ी बार बार रिपीट तो करते नहीं हैं। तो मैं इस साड़ी को जब मंगवाती हूँ, कहीं लेती हूँ, तो मैं ये ध्यान में रख के मंगवाती हूँ कि इसको जो है ना वो हमें बाद में जो है इसको हम रीयूज भी कर सकें। ठीक है, तो मैंने पहले भी जो आपको दो साड़ी दिखाए थे मीशो हॉल से मैंने दिखाए थे, तो उसको भी मैंने वही किया था कि मतलब इस तरह का ली हूँ। और दशहरे में जैसे हम लोग दशहरे में नवरात्रि में जो है वो मैं 10 दिन कहीं पाठ होता है, कहीं कीर्तन होता है, कहीं भजन होता है, तो उसमें जाती हूँ, तो रोज नई नई साड़ियाँ पहन के चली जाती हूँ। और बाद में जब आती हूँ तो बाद में जब दशहरे खत्म हो जाते हैं या कुछ ऐसा फंक्शन खत्म हो गया, एक दो बार तब तक पहन लिया, उसके बाद मैं उसको रीयूज कर लेती हूँ, तो हमारा जो है वो दोनों चीज हो जाता है। और साड़ी रीयूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा जो है ना वही कपड़े, आप शिफॉन की वही प्रिंटेड कपड़े यदि आप मार्केट में लेने जाओ, ठीक है, तो 150-200 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगा। यदि आप 5 मीटर लेते हो तो 1000 रुपये की, 800 रुपये की, 900 रुपये की आपको साड़ी आए, मतलब पूरे कपड़े मिलेंगे, लेंथ के कपड़े। लेकिन हमारा मतलब साड़ी, इस तरह की साड़ी ले लेने से ये होता है, एक तो हम थोड़ा सा पहन लिए, ठीक है, वो भी अच्छा लग गया, और दूसरा को फिर रीयूज किए, ठीक है, तो हमारा क्लॉथ का जो हमारा लगना होता है वो क्लॉथ हमारा नहीं लगता है, तो बहुत इससे लगता है। तो मुझे कभी भी, मैं रेंडम शॉपिंग करती हूँ, मुझे कभी भी कोई प्रिंट यदि बहुत अच्छा लग जाता है तो मैं उसको ले लेती हूँ और फिर कभी पहना, और थोड़े दिन के बाद यदि कोई बहुत अच्छा लगा तो रख लिया थोड़े दिन के लिए, एक पहन लिया, और यदि कोई बहुत मतलब ठीक ठाक लगा कि चलो इसका यूज करके ये चीज़ बन सकता है, यदि दिमाग में पहले ही आ गया तो मैं फिर उसको रीयूज ही कर लेती हूँ, फिर मैं उसको फटाक से रीयूज ही कर लेती हूँ, एक आध बार पहन के मैं उसको रीयूज ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने आज फिर देखिए मैंने मंगाया है दो मीशो से, दो मैंने साड़ी मंगाई है, ठीक है, तो दो साड़ी मंगाई हूँ, दो साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है, डिलीवर तो मुझे परसों ही शायद हो गया था, लेकिन मैंने सोचा जब वीडियो बनाऊंगी तभी मैं डिले इसको ओपन करूंगी। तो ये देखिए मेरा जो है वो सील्ड है, तो इसको मैं ओपन करती हूँ, ओपन करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, या तो सीजर से काटो या तो फिर ऐसे। तो देखिए एक साड़ी अब जैसे पहनी, अब मीशो में तो ये भी डर रहता है ना, पता नहीं क्या मंगाया और क्या आया वाली बात, तो तो देखते हैं क्या मंगाया और क्या आया। तो लग तो रहा है ठीक है, और कपड़ा बहुत हल्का सा है, तो देख के तो ठीक लग रहा है। अब इसको मैं ओपन करती हूँ, बहुत अच्छा शिफॉन का कपड़ा है, और बहुत ही शिफॉन नहीं है, जॉर्जेट कपड़ा है, और बहुत ही ये है, तो इसका जो है ना ये देखिए मैं इसको ये करके दिखाती हूँ आपको, इसका ब्लाउज पीस जो है वो, इसको मैंने ओपन करके देखा। तो ये साड़ी में मैं ज्यादातर साड़ी ऐसी मंगाती हूँ जिसमें कि पल्ले ना हो, क्योंकि पल्ले से क्या होता है ना, वो मीटर जब मैंने बताया ना कि मैं जो वो इस तरह से लेती हूँ कि मेरा आगे साड़ी रीयूज में काम आ जाए, तो इस वजह से इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो लंबा, ये तो ठीक है, चौड़ान जो है वो तो ठीक है, इसकी लंबा चौड़ान ठीक है, अच्छे से लंबे लोगों को भी आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, हम लोगों की तो हाइट कम है लेकिन लंबे लोगों को भी ये आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह की साड़ी है ये, और इसका ब्लाउज पीस जो है कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलर है, और खिल के बहुत आएगा, पहनने पे बहुत सुंदर खिल के आएगा। तो ये देखिए इसका ब्लाउज पीस जो है वो ब्लू कलर का है, तो ब्लाउज पीस जो है वो हमें 80 सेंटीमीटर के आसपास दिया हुआ है, लेकिन चूंकि साड़ी का ब्लाउज है तो साड़ी का ब्लाउज क्या हो जाता है ना कि मतलब कम भी चौड़ा होता है ना, तो मतलब 1 मीटर ना भी हो कम भी हो, तो इसकी चूंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना, चौड़ान अच्छी होती है, ये देखिए चौड़ान भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो मतलब 1 मीटर से ज़्यादा है, 1.25 मीटर के आसपास, इसकी 1.25 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर 10-15-10 सेंटीमीटर के आसपास होगा,
तो इसको आप लंबे लोग भी पहन सकते हैं, तो इससे ब्लाउज अच्छा बन जाता है। देखिए तो ब्लू कलर का है तो ब्लाउज सही बनेगा, ये हो बन जाता है, किसी का भी ब्लाउज बन जाएगा, हेल्दी लोगों का भी, हम लोगों जैसे लोगों का भी ब्लाउज बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो नहीं यूज करना होता है तो मैं इस तरह के ब्लाउज नहीं बनाती हूँ, बहुत कम ही यूज करती हूँ। मैं बहुत ही हैप्पी साड़ी जो होता है सिर्फ किसी के ब्लाउज बनाती हूँ, तो मैं इसको इस तरह के मैं रेडीमेड ब्लाउज ही पहनती हूँ ज्यादातर, ठीक है। तो ये है, ये देखिए इसे, ये साड़ी जो है मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ऐसे यदि ड्रैप करेंगे हम तो भी अच्छा लगेगा। इसको मैं आपको सही से ड्रैप करके पहले मैं आपको ये कर देती हूँ कि कितने मीटर की साड़ी है हमारी, वो देख लेती हूँ मैं। एक दो, लिखा तो 5.5 मीटर था, अब देखिए कितने मीटर निकलता है। 3, 4, 5 और 5.5। तो लंबाई अच्छी है साड़ी की, लेंथ भी अच्छी है, मतलब ये नहीं है कि प्लेट वगैरह भी अच्छा आएगा। और यदि आप चाहें कि ब्लाउज पीस ना कटाए तो ये भी आप ना कर, ये करके आप इसी के साथ, क्योंकि कपड़ा सेम है, ब्लाउज पीस का भी कपड़ा जो है ना वो सेम ही कपड़ा है, तो इसको आप इसके साथ ही रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको ड्रैप कर सकते हैं। ये मैं आपको एक बार आपको दिखाती हूँ, ड्रैप करके, ड्रैप करके तो नहीं पूरी दिखाऊंगी, लेकिन मतलब ऐसे पहन के आपको दिखाती हूँ जिससे कि आपको इसका लुक समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरह की साड़ी लगेगी, काफी अच्छी लग रही है पहन के, ये काफी अच्छी लग रही है मुझे साड़ी। जैसे कि इसको ऐसे भी, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं गाँव, खास करके जब ससुराल जाते हैं तो सिर पे भी पल्ला लेना होता है, और इसका भी चलन इस तरह पहले जो चला हुआ था ना, पहले लोग इस तरह से साड़ी पहनते थे, आजकल फिर से वापस से इस तरह का चल पहन का पहनने का ये आ गया है, ठीक है। इस तरह से साड़ी को ड्रैप करने का आजकल आ गया है। तो देखिए ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसको बार कर लेती हूँ। तो ये देखिए ऐसे भी अच्छा लग रहा है, और कपड़ा बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा है, और बाद में इसका सरग जो बनाएंगे ना वो मल्टीपर्पज सरग बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी का, तो अभी का बात का भी चीज बता देती हूँ कि बाद में ये क्या बनेगा और कैसा लगेगा। तो ये देखिए ये सरग बनेगा इसका, तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। यदि आपको इसको पहनना है तो आप मतलब ज्यादा जो साड़ी लवर है, साड़ी पहनना पसंद करते हैं, वो लोग जो है इसको ये कर सकते हैं, थोड़ी सी इसमें लेस वगैरह का काम करा ले, ठीक है। आजकल गोटा पट्टी का लेस बहुत चला हुआ है, या मल्टी कलर कलर के गोटा का, जयपुरी गोटा का काम करा ले तो बहुत खूबसूरत साड़ी बनने लगेगी। तो ये देखिए साड़ी, ये मेरी पहली साड़ी थी, तो बहुत ही अच्छी है, ये देखिए बहुत अच्छी मुझे अच्छी लगी साड़ी। इसका प्रिंट और ये जो है ना बिल्कुल ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसा बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा फ्लावर प्रिंट ये वो से हटके थोड़ी सी ऐसी साड़ी लगी। तो ये साड़ी ठीक है, ले सकते हैं आप यदि साड़ी पहनना पसंद है, और साड़ी से आप यूज करके ड्रेस बनवाना चाहते हैं, खुद भी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि खुद नहीं बनाते हैं तो भी आप ले बाहर से भी बनवा सकते हैं। तो ये साड़ी मुझे अच्छी लगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दो बार से पता नहीं क्या है, मीशो जो है वो सही से कपड़े भेज रहा है भेज रहा है, नहीं तो मीशो का तो क्या था। उसी साड़ी को मैं खोल बंधेज वाली साड़ी मंगवाई थी, और दोनों ही साड़ी इस बार मेरी ब्लू आई है, पिछली बार मेरी दोनों ही साड़ी जो थी, एक साड़ी पीच की और एक ये साड़ी जो थी वो फ्लावर प्रिंट की थी। तो किधर से खुलना है भाई, हाँ ये दिखा मुझे ये देखिए इस बार ये साड़ी भी जो है ना, ये थोड़ा सा कपड़ा जो है ना वो थोड़ी सी स्लिपरी टाइप की कपड़ा है इसका, स्लिप वाला कपड़ा है, वैसे प्रिंट और ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन कपड़ा नहीं, कपड़ा अच्छा ही बोल सकते हैं, पर जैसे सिफॉन जॉर्जेट होता है ना वो चीज़ नहीं है, ये थोड़ी सी क्रेप टाइप में साड़ी है, ये थोड़ी सी हल्की सी क्रेप वाली फिसलन वाली साड़ी होती है ना फ्रेंड, उस तरह की साड़ी है। लेकिन साड़ी का कलर और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर सा है। ये देखिए ये इसका पूरी साड़ी में देखिए इस तरह की डिजाइन है, ये साड़ी का पूरा डिजाइन है, बहुत सुंदर कम्बिनेशन है, कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत सा है। और इसके साथ जो है हमें क्या दिया है, येलो ब्लाउज दिया है, ठीक है। तो येलो कलर का इस पे ब्लाउज दिया है, ये ब्लाउज भी बन के बहुत खूबसूरत लगेगा, ये ब्लाउज बना के इस पे ब्लू पट्टी डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा इसका, मुझे ये अच्छा लगा। और ये इसका कपड़ा जो है ना वो क्रेप टाइप का कपड़ा है, मतलब सिफॉन जॉर्जेट नहीं है, ठीक है। ये जो है ना वो थोड़ा सा
साइनिंग वाला कपड़ा है। ये देखिए इसको थोड़ा सा ना, ये साइनिंग वाला कपड़ा है, क्रेप वाला, लेकिन डिजाइन पैटर्न इतना अच्छा है इसका ना, ये देखिए खिलता हुआ कलर है, बहुत सुंदर। इसको यदि पहनेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा ये साड़ी को पहनने। थोड़ा सा पल्ला में शायद ज्यादा है या नहीं, ऑल ओवर ऐसा ही है, नहीं ऑल ओवर ऐसा ही है, ऑल ओवर ऐसा ही है ये साड़ी, पल्ला वगैरह में नहीं जाता है। ये देखिए इसको यदि मैं ड्रेप करती हूँ इस तरह से, जैसे मैंने आज गोल्डन पहना था, लाइट गोल्डन उस कलर का ये पहना था कि चलो इसके साथ मेरा कोई भी साड़ी का ये चल जाएगा। तो ये देखिए पहन के बहुत सुंदर लुक आ रहा है, ये देखिए पहनने के बाद इसका लुक जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। तो इस साड़ी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये मतलब क्रेप वाले से कपड़े हैं, क्रेप वाले जैसे अब जैसे यही कपड़े हैं, थोड़े से डिजाइन वाले कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस हिसाब से देखिए ये मतलब अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लगे, ठीक है। ये साड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, ये देखिए इसको इस तरह से यदि हम लेते हैं तो इस तरह से, यदि मान लीजिए हमें इस तरह से लेना होता है तो भी देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है और खिल के आ रहा है। कलर जो है ना इसका वो काफ़ी खिला हुआ सा कलर है, और ब्लू और येलो और वाइट का कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। तो इस साड़ी को भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिया तो इसका फ्लावर के साथ कितना अच्छा मैचिंग हो गया, लग रहा है जैसे कि मैंने केप वगैरह डाल रखा हो। अब आपको कैसा लगा ये तो आप ही बताएंगे। तो ये भी मिसो हॉल का साड़ी है और मिसो से लिया है, और रेट इसकी ज़्यादा नहीं है, सबकी वो 300 के आसपास ही है, 300 या 350 के आसपास है। मैं आपको इसका मैं मेंशन कर दूंगी, 350 के अराउंड ही साड़ी है, मतलब 400 की नहीं है। ये देखिए पीछे भी मैं दिखाऊँ आपको, ऐसे लग रहा है इसका लुक, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है मुझे ये साड़ी भी ना, मतलब काफ़ी रिटर्न करने वाला नहीं है, काफ़ी अच्छा मतलब ये लग रहा है। मैं इसको पहन सकती हूँ एक दो बार, तो दो चार बार तो पहन ही सकती हूँ, उसके बाद देखूंगी कि क्या करना है, ठीक है। अब इससे मैं आपको बता दूं, इससे गाउन बहुत अच्छा बनेगा, सरारा सूट बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, स्कर्ट इसके बहुत अच्छे लगेंगे। क्रॉप टॉप और स्कर्ट बना लो, या क्रॉप टॉप और सरारा बना लो, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमें ये जो है पूरा 5 मीटर का कपड़ा मिल जाता है, और पीछे यदि येलो वाला जो मिल जाता है उससे हम थोड़ी बहुत डिजाइनिंग कर सकते हैं इसका। तो ये भी साड़ी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, तो आप देखें कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने फिर और भी लेस ऑर्डर किए हुए हैं मैंने मीशो से, काफ़ी मतलब मार्केट में एक तो ढूंढना पड़ता है, हर एक जगह हर एक तरह की लेस अवेलेबल नहीं होती है, तो मार्केट में हमें ढूंढना पड़ जाता है, और फिर कई बार क्या हो जाता है हमें ढक्कन लेस नहीं मिलता रहता है, या कौन जाए मार्केट, ये चक्कर हो जाता है, मेरे साथ तो यही बहुत होता है। तो इसलिए मैंने लेस वगैरह भी ऑर्डर किए हुए हैं, और वो आता है तो वो भी मैं आपको देर आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने 2 साड़ी और ऑर्डर किए हुए हैं, तो वो भी जब आएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मेरा एक फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या ले कर रही इसका है। तो जिस तरह का रिव्यू है वो बताती हूँ। इसका कपड़ा थोड़ा सा स्लिपरी है, देखिए उसके कपड़े में बहुत अच्छा, मतलब आप पहनने के बाद आपको वो कपड़ा पता नहीं चलेगा। लाइट वेट ये भी है, बट ये थोड़ी सी स्लिपरी वाली साड़ी है, थोड़ी सी स्लिप करने वाली साड़ी है, ठीक है। तो यदि आप मतलब ऐसे पहनते हैं, कभी पहनते हैं तो ठीक है, फेस्टिवल लुक पे थोड़ी सी चमक आती है तो अच्छी लगेगी ये साड़ी। वैसे यदि आप मतलब डेली वेयर के लिए साड़ी भी बहुत अच्छी, मतलब डेली यूज की ही साड़ियाँ मैं लेके आ रही हूँ, ये हैवी साड़ियाँ तो मार्केट से लेते हैं हम लोग जाके देख के सुन के, लेडीज तो 5 दुकान घूमती है, हम लोग की तो वही आदत होती है ना, 5 दुकान ढूंढो, जब तक की दुकान वाले की सारे कपड़े ना उतरवा लो तब तक तो पसंद ही नहीं आता है कोई साड़ी, ठीक है। तो वो चीज है, तो डेली वेयर के लिए ये बहुत अच्छी साड़ी है, तो इसे भी आप पहले रिकमेंडेड है। इसमें भी काफी कलर थे, और उसमें का और कलर मुझे पसंद नहीं था, लेकिन इसमें एक ग्रीन कलर था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ग्रीन मैंने इससे पहले ले लिया था, तो मैं मुझे ग्रीन नहीं लेना था, मुझे ब्लू ही लेना था, ब्लू का कलर आजकल मुझे थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच में और लोगों के बीच में, ताकि लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ मिल सके, और बेल को बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आगे के भी मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू माई फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।